हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आज आपके लिए लेकर आई हूँ, देखिए ये एक खूबसूरत सा डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आजकल बच्चों के स्वेटर्स में बहुत यूज़ किया जाता है, उनके कैप में यूज़ किया जाता है, स्लीव्स में पड़ता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये डिज़ाइन जितना दिखने में खूबसूरत है उतना बनाने में भी आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए इस डिज़ाइन को हम बना लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे फंदे, जो कि होंगे हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2+1, मतलब कि दो दो के हिसाब से हम फंदे डालेंगे, फिर उसमें एक फंदा हम ऐड करेंगे। और अगर आपको ये एज वाला फंदा चाहिए तो इसमें भी हम दो फंदे एक्स्ट्रा और डाल लेंगे। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें या नहीं डालना चाहें। तो ये देखिए, ये सामने से ये इस तरीके से दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये पैटर्न हमारा कैसा नज़र आ रहा है। देखिए धारियाँ सी नज़र आ रही हैं, और रॉन्ग साइड से देखिए ये पैटर्न हमारा, जैसे कि हम सीधे उल्टे का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये उस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर फंदे डालेंगे, जो कि होंगे हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2+1। तो हम यहाँ पर फंदे डालेंगे, फंदे आप किसी भी तरीके से आप डालिए। ये देखिए दो फंदे हमारे ये हो गए, ऐसे फंदे डाल लेंगे हम। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसमें फंदे डाल लिए हैं, तो देख लेते हैं फंदे हमने कितने डाले हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30 और एक 31 फंदे हमने इसमें डालकर रखे हैं टोटल। तो देखिए पैटर्न के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ उल्टी उल्टी सलाइयों का बॉर्डर बुन लेंगे। ठीक है, आप जो भी बॉर्डर बुनना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2-4 सलाइयाँ मैं बॉर्डर के रूप में यहाँ पर बना लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अभी हमारा राइट साइड है, तो राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, ये दो धारियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, और यहाँ पर भी देखिए रॉन्ग साइड में ये 1, 2। ठीक है, और धागा देखिए, मैं अभी यहाँ पर ये अपने रॉन्ग साइड की तरफ हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, तो दोनों तरफ हमारे पास बॉर्डर की मैंने दो दो लाइंस बना ली हैं। इसके बाद में देखिए हमारी पैटर्न जो होगा हमारा वो रॉन्ग साइड से शुरू होगा, मतलब हम रॉन्ग साइड से यहाँ पर हम रो 1 शुरू करेंगे। पैटर्न हमारा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए, पहला तो फंदा हम यहाँ पर स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाइए आप इसको, और यहाँ से हम सभी फंदे देखिए इस तरीके से आगे से निडल डालकर सारे के सारे फंदे हम सीधे बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे, ये देखिए एज वाला फंदा भी हम सीधा बुन देंगे। तो ये थी हमारी रॉन्ग साइड से रो 1 अभी हमने बुन ली है, राइट साइड रो नंबर 2। ये देखिए अब हम बनाएंगे रो नंबर 2। ये जो हमने रो बनाई है ये हमारी रो नंबर 1 थी। देखिए रो नंबर 2, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाइए, और यहाँ से हम एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाइए, एक फंदा उल्टा। ठीक है, ये आपका रिपीट पैटर्न है, पहला फंदा स्लिप करने के बाद में एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे ले जाइए, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो इस तरीके से रिपीट करते हुए हम
लास्ट तक बुन लेंगे और एज वाला फंदा हम सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए धागा पीछे के लास्ट में ये दो फंदे हैं, तो एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और ये एज वाला फंदा है इसको भी हम सीधा ही बुनकर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी रो नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। आप देखिए रॉन्ग साइड रो नंबर अगेन, देखिए रो नंबर 1 हम यहाँ से रिपीट करेंगे। तो देखिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाइए और जो भी फंदे हैं उन सभी को हम सीधा बुनकर ही कंप्लीट करेंगे। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स रो नंबर 1 हम रिपीट कर रहे हैं, लास्ट में है ये देखिए एज वाला फंदा भी सीधा बुन दिया। ठीक है, आप राइट साइड आ जाइए रो नंबर 2। ठीक है, तो देखिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाइए, यहाँ पर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ लाइए, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लिया, एक फंदा हम फिर सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाइए, एक फंदा हम फिर उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरीके से करते हुए आपके ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी आप पैटर्न बनाएं, जितना भी लंबा आप बनाना चाहें, तो आपको यही दोनों रो कंप्लीट बुनते हुए आपको कंप्लीट करना है, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2, और आपका पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको कुछ रोज़ और बनाकर दिखा देती हूँ इसकी। तो फ्रेंड्स देखिए ये कुछ रोज़ हमने रिपीट करके बनाई हैं, तो ये पैटर्न देखिए आपको इस तरीके से नज़र आएगा। ये देखिए ऐसे इधर से देखिए, बहुत ही सुंदर पैटर्न है। और अगर आपको ये पैटर्न पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना है। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।